स्टूडेंट्स ये चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल नंबर टू है राइट right? तो इसके स्टेटमेंट रीड करते हैं चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस राइट आपके पास फोर प्रॉब्लम्स गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपने ये चेक करना है क्या ये जो फॉलोइंग है मतलब नीचे दी गई इक्वेशन है कि नहीं राइट right? तो quadratic equation हमें कैसे पता चलेगी जब भी हम इन इक्वेश को सॉल्व करेंगे ठीक है तो उसके बाद अगर हमारे पास x की हाइएस्ट पावर जो है वो टू आती है राइट right? तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेजन होगी दैट मीन्स कि आपको देखना क्या है ये जो चार इक्वेजन गिवन है क्या ये ए एक्स नहीं बी एक्स प्लस तो टू जीरो सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रॉब्लम देखती हूँ दैट इज एक्स माइनस टू स्क्वेर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री अब नाउ अब ये जो एक्स माइनस टू इसका स्क्वायर है ठीक है इसे हम ए माइनस बी का स्क्वायर ठीक है इस फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे राइट सो फॉर्मूला प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी राइट सो एक्स माइनस टू राइट सो ए की जगह पे हम एक्स रखेंगे और बी की जगह पे हम टू रखेंगे सो so, इसे सॉल्व करते हैं राइट सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू आ गया राइट right? अब माइनस हमने क्यों नहीं मेंशन किया है क्योंकि ऑलरेडी हम फॉर्मूले में जो है वो माइनस मेंशन कर चुके हैं राइट right? सो so, इसीलिए मैंने ये जो माइनस टू है इसे एज इट इज टू ही लिखा है राइट right? सो so, साथ में आपके पास प्लस वन आ जाएगा इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री आ गया सो एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर बन जाएगा माइनस टू इंटू टू ये माइनस फोर एक्स आ गया प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री आ गया अब इसे हम सॉल्व करते हैं सो तो ये जो टू एक्स माइनस थ्री है इसे भी मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी राइट एक्स स्क् प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री आ गया और ये सारी की सारी इक्वेशन इक्वल टू तो जीरो बन गई राइट अब जो हमारे पास एक्स है ठीक है इसे हम सबसे आगे रखेंगे फिर उसके बाद फोर एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं सो माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स उसके बाद जो हमारे पास सी वाली टर्म्स है दैट मीन्स फोर प्लस वन प्लस थ्री आ गया और ये इक्वल टू तो जीरो बन जाएगा नाउ एक्स स्क्वे माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स ये माइनस सिक्स एक्स देगा 4 1, 5, 5 3, 8 आ गया। और ये सारा का सारा टू जीरो तो हमारे पास जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके साथ मैच करता है यू कैन राइट ओवर हियर इट इज फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो राइट जहां पे ए की वैल्यू एक्स के साथ कुछ नहीं है तो हम वन एज्यूम कर सकते हैं तो ए की वैल्यू वन आ रही है बी की वैल्यू माइनस सिक्स आ रही है और सी की वैल्यू एट आ रही है सो आई कैन सी दैट हैंस इट इज ए क्वाड्रेटिक क्वेशन नेक्स्ट प्रॉब्लम टू जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है ये हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं ना एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इट विल बी सॉल्व बाई दी फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब अगर आप देखो तो ए जो है वो हम एक्स एज्यूम कर सकते हैं और बी जो है उसे हम टू एज्यूम कर सकते हैं अब सेम वे में ए माइनस बी एक्स माइनस टू आ रहा है ये क्या बन जाएगा इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा राइट सो so, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं सो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स इंटू वन एक्स आ जाएगा प्लस एट क्वल टू ना एक्स प्लस x एक्स माइनस टू इट विल बी एक्स स्क्स टू का square plus x plus स्क्स equal to x square minus इन into टू ये फोर हो जाएगा राइट right? अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है इसे जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा सो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस एट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का फोर आ गया और ये ओवरऑल इक्वल टू जीरो बन गया अब ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा राइट सो एक्स प्लस एट प्लस फोर यहाँ पे ट्वेल्व आ जाएगा राइट right? और ये ओवरऑल इक्वल टू जीरो आ गया अब हमारे पास जो एक्स की हाइएस्ट पावर है वो वन आ रही है जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है वो टू आनी चाहिए राइट सो यू कैन राइट वही सेंस The highest power of X is one, not two, so it is not a quadratic. equation अब नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं हम एक्स इंटू टू एक्स प्लस प्लस वन आ गया अब ये जो एक्स स्क्स वन है इसे जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा सो टू एक्स स्क्स थ्री एक्स माइनस एक्स स्क् माइनस वन गया, सो अब एक्सक्वा वो इकट्ठी कर लेती है सो टू एक्स स्क् माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया सो टू एक्स स्क्वायर में से जब आपने एक्स स्क् माइनस किए, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो अब यहां पे जो एक्स की हाइएस्ट पावर है वो टू आ रही है सो इट इज अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जहां पे ए की वैल्यू अब एक्स के साथ कुछ नहीं है तो मैं वन एज्यूम कर सकती हूं सो so, ए की वैल्यू वन आ रही है b की वैल्यू थ्री आ रही है और सी की वैल्यू माइनस वन आ रही है सो आई कैन से दैट हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम लास्ट वन देखते हैं दैट इज एक्स प्लस टू का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर राइट सो ये जो एक्स प्लस टू का क्यूब है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इट विल बी सॉल्व बाई फॉर्मूला ए प्लस बी क्यूब राइट सो ए की जगह पे हम एक्स अज्यूम कर सकते हैं और बी की जगह पे हम टू अज्यूम कर सकते हैं सो so, फॉर्मूला क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वा बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर आ जाएगा राइट right? सो so, अब ये फॉर्मूला हम यहां पे पुट करते हैं सो ए के जगह पे अगर हम एक्स ले रहे हैं सो so एक्स का क्यूब आ गया प्लस बी के जगह पे टू ले रहे हैं तो टू का क्यूब आ जाएगा प्लस थ्री इन टू ए का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर आ गया ठीक है और बी साथ में आ जाएगा सो इन टू टू आ गया प्लस थ्री इंटू एक्स आ गया इंटू अब यहाँ पे बी का स्क्वायर है टू का मेंशन कर दोगे राइट right? अब ये माइनस फोर आ रहा है राइट सो एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब टू इंटू टू इंटू टू हो जाएगा राइट right? टू को आपने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है सो टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट आ जाएगा सो so, यहाँ पे एट आ गया प्लस थ्री इंटू टू सिक्स आ गया सो सिक्स एक्स स्क्वायर बन गया प्लस नाउ थ्री इंटू एक्स इंटू टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर सो एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर थ्री इंटू फोर ट्वेल्व आ गया ट्वेल्व एक्स अब ये इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 आ जाएगा अब ये जो एक्स क्यूब माइनस फोर है इसे जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे सो माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस का फोर है दूसरी साइड जाके प्लस का आ जाएगा और ये इक्वल टू जीरो बन गया ये माइनस का एक्स क्यूब आप इसके साथ कैंसिल कर दोगे अब हम इन्हें रीअरेंज करके लिखते हैं सो so, जो x की हाइएस्ट पावर है ठीक है उसे पहले लिखेंगे सो सिक्स एक्स गया प्लस ट्वेल्व एक्स उसके बाद प्लस का एट प्लस का फोर इक्वल टू जीरो आ जाएगा सो सिक्स एक्स स्क्वा प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट प्लस फोर ट्वेल्व हो जाएगा ये इक्वल टू जीरो आ गया सिक्स हम कॉमन ले लेंगे सो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस

इक्वल टू जीरो अब अगर आप देखो तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ मैच करता है यू कैन राइट इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जहां पे ए की वैल्यू ियसली एक्स के साथ कुछ नहीं है तो मैं वन एज्यूम कर लेती हूं ए की वैल्यू वन आ रही है बी की वैल्यू टू आ रही है और सी की वैल्यू भी टू आ रही है सो यू कैन सेन्स इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन